तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमडी क्लासेस पे। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने जीके जीएस के 25 क्वेश्चन की सीरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 25 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए। 25 क्वेश्चन की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे के 6 पार्ट हम कर चुके हैं, आज सातवां पार्ट है, आज सातवां पार्ट हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। देख लीजिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप चैनल पर आकर के एक बार वीडियोज की लिस्ट में देख लिया करिए। हो सकता है वीडियो अपलोड हो गई हो, लेकिन नोटिफिकेशन कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाता है, तो एक बार आप जरूर देख लिया करिए। फ्रेंड्स देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, आप अगर अनअकैडमी पर अभी तक फॉलो नहीं किया है आपने, तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, ठीक, क्योंकि अनअकैडमी पर रोज नए नए लेसन पढ़ते रहते हैं। मैथ्स के सारे चैप्टर वहां पर आपको, सारे लेसन वहां पे आपको, पूरी मैथ्स वहां पर मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ही बताया था, कोई अगर साइकिल सवार है, कोई वृत्ताकार पथ पर यानी मोड़ पर चल रहा हो, तो कहाँ कौन सा बल लगेगा, किस तरफ कौन सा बल लगता है, ये चीज मैंने बताई थी। फ्रेंड देखिए, आपको एक करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को वहां पर रोकना है, जैसा भी आपको सुटेबल टाइम लगे। देखिए मैं अभी तक क्या करता था, आपको 5 सेकंड का टाइम देता था, लेकिन आप जब वीडियो चल रही हो आपके सामने, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइव वीडियो चल रहा है, तो वीडियो आपके सामने चल रही है, तो आप वीडियो को वहां पर रोकिए, जितना भी आपको टाइम लगता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितना आपको अच्छा लगता है, आप उतने टाइम के लिए वीडियो रोकिए। उसके बाद आप अपना खुद से अटेम्प्ट करिए आंसर, फिर आप अपना आंसर जो है दीजिए यहाँ पर आंसर, फिर देखिए, ठीक है। तो आप हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या कर होता है कि जब आप कमेंट करते हैं, आप लिखते हैं किसी चीज को, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है बजाय पढ़ने के, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है या बाहर की ओर झुकता है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, पहले मैं बता देता हूं, अगर कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार कोई पथ है, ठीक है, तो अंदर की ओर कौन सा बल लगता है, अंदर की ओर लगता है अवकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर कौन सा बल लगता है, बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो देखिए, जब कोई साइकिल सवार मोड़ पर घूमेगा तो उसके अंदर की ओर झुकेगा, क्योंकि उस पर लगता है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये एक छद्म बल यानी कि आभासी बल इसको कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल को एक आभासी बल कहा जाता है, ये अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करने के लिए लगता है बाहर की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर लगता है अंदर की ओर झुकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवक संघ का संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके पास है 4 ऑप्शन, मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई और केशव बलिराम हेडगेवार। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर देना है। देखिए एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कर लिया करिए। देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी, डी केशव बलिराम हेडगेवार, इसके सही आंसर हैं केशव बलिराम हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक यानी आरएसएस के संस्थापक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी कब स्थापित हुई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी है 6 अप्रैल 1980 को, सी है 26 जनवरी 1950 को, और डी है किसी अन्य डेट में। कब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, यानी कोई नाव कब डूब जाएगी, अंग्रेज के सिद्धांत के अनुसार कोई नाव कब डूब जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन है, आयतन के बराबर अगर वह पानी हटाती है तो डूब जाएगी। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अगर वह अपने पृष्ठभाग के बराबर पानी हटाती है तो वह नाव डूब जाएगी नदी में। ऑप्शन सी कह रहा है अपने घनत्व के बराबर पानी हटाती है तो डूब जाएगी।
ऑप्शन डी कह रहा है अपने भार के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आयतन के बराबर। यदि कोई अकुंडेज का सिद्धांत क्या कहता है, कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करती है, ठीक है, तो उसी सिद्धांत के अनुसार कोई है अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटा देती है तो वह डूब जाएगी, उसमें पूरा का पूरा समा जाएगी पानी में। देखिए पांचवा क्वेश्चन आज का जो है वो है लोकसभा के उम्मीदवार होने की अल्पतम यानी न्यूनतम आयु पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए या 18 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सही आंसर जो है ये है 25 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि जो चुनाव होता है लोकसभा का, जो चुनाव आने वाला है, इसमें वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसकी उम्र कम से कम 25 साल होगी। और राज्यसभा के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होना चाहता है तो उसकी एज होनी चाहिए 30 साल। और 18 साल क्या है, 18 साल है कि कोई व्यक्ति अगर मतदान करने के लिए, अगर न्यूनतम आयु किसी व्यक्ति की मतदान करने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, यानी लैंप की बत्ती में तेल क्यों चढ़ता है। देखिए ए ऑप्शन है तेल बहुत हल्का होता है इसलिए लैंप की बत्ती में चढ़ने लगता है। बी ऑप्शन है कैपिलरी क्रिया के कारण तेल चढ़ने लगता है, कैपिलरी क्रिया के कारण तेल चढ़ने लगता है। सी ऑप्शन है सतह तनाव के घटने के कारण। डी ऑप्शन है तेल वाष्पशील है इसलिए तेल चढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कैपिलरी क्रिया, केशिकात्व। केशिकात्व इसको कहते हैं, केशिकात्व के कारण जो होता है लैंप के बत्ती में तेल चढ़ने लगता है। देखिए केशिकात्व का एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, देखिए खेत में जब क्या होता है कि धान उनकी कटाई हो जाती है, धान हो जाती है तो खेत को फिर से जुतवा दिया जाता है। क्यों जुतवा दिया जाता है, क्योंकि केश नलियां बन जाती हैं खेत में और नीचे से नमी जो है धूप में चली जाती है और खेत की नमी खत्म हो जाती है, इसीलिए केश नलियों को तोड़ने के लिए खेत को जुतवा दिया जाता है। केश नलियां टूट जाती हैं तो अंदर की नमी बाहर नहीं जाने पाती है। बहुत ही फेमस उदाहरण है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है केशिकात्व का। देखिए फ्रेंड्स आज का सातवां क्वेश्चन है भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है, भारत का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन था। देखिए अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या अन्य कोई। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले भारत के मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस के, ठीक है। फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ते हैं, आज का आठवां क्वेश्चन है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। पानी से जब निकाला जाता है शेविंग ब्रश को तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, घर्षण इसका कारण है, पृष्ठ तनाव कारण है, प्रत्यास्था या स्यानता। इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण या घटना होती है। चलिए चलते हैं आज के नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहां पर अवस्थित होती है, ओजोन परत कहां पर अवस्थित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरीके ये क्वेश्चन इस बार यूपीपीसीएस में भी आया हुआ था, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। तो हालांकि ये पीसीएस के टाइप का क्वेश्चन नहीं है फिर भी दे दिया था, लेकिन वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है आयनोस्फीयर, बी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, सी ऑप्शन है स्टेटोस्फीयर और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्टेटोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन की परत स्टेटोस्फीयर में पाई जाती है। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, यानी कि कौन सा देश सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, अमेरिका, चीन, भारत, जापान, इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कौन सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस मतलब उत्सर्जित करता है। और देखिए संयोग की बात क्या है कि यही लोग दूसरों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं कि आप ज्यादा
जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। यही लोग चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यही दूसरे पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मृदु जल, जल मृदुकरण या फिल्ट्रेशन, अवसादन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है फिल्ट्रेशन। इसका क्या आंसर है? फिल्ट्रेशन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपका, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, आर्गन को, हीलियम को, नियॉन को या ज़ीनॉन को, इनमें से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ आराम से वीडियो को इत्मीनान से देखा करिए, पेशेंस रखिए, आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, आप एक बार दो बार देख लिया करिए वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए इसका सही आंसर है ज़ीनॉन, ज़ीनॉन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को कहा जाता है। आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है? नोवेल गैस यानी कि जो गैस किसी से क्रिया नहीं करती है, यानी कि अक्रिय गैस, वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है? आर्गन, हीलियम, रेडॉन या नियॉन। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रेडॉन, रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स वायु में बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन रेडॉन उसमें नहीं पाई जाती है। देखिए 14वां क्वेश्चन है आज का, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि योजना आयोग कब बनाई गई थी? फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 1945 में योजना आयोग बनी थी, 1950 में बनी थी, 1947 में या 1960 में? तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ये है 1950। देखिए योजना आयोग अभी तक चली आ रही थी, ठीक है, लेकिन 1 जुलाई 2015 से योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही रहेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत बल में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विद्युत बल में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, रेडॉन, अक्रिय गैस या आर्गन? देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अक्रिय गैस। अब विद्युत बल में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल में अक्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि अंदर कोई उसके फिलामेंट से या मतलब क्रिया ना हो जाए, जिससे कि दिक्कत ना होने पाए, इसीलिए विद्युत बल में अक्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन ये है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है, यानी कि मौसम संबंधी विज्ञान के प्रेक्षण के लिए ये चार गैस दिए हुए हैं, इनमें से गुब्बारों में किसे भरा जाता है? हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को या मीथेन को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम को ही क्यों भरा जाता है? क्योंकि एक तो अक्रिय गैस होती है और दूसरे बहुत हल्की होती है, इसी वजह से हीलियम को ही भरा जाता है, ठीक है। देखिए वायुयान को उनमें भी, जो एरोप्लेन वगैरह के टायर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। देखिए 17वां क्वेश्चन आज का है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि अक्रिय गैसों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रेंजे, लोकेयर, शीले या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रेंजे, रेंजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। देखिए 18वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब हुआ? देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टैटिक जीके में हमेशा मतलब आपसे ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बराबर पूछे जाते रहेंगे। तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2015, बी है 9 दिसंबर 2014, सी है 2 अक्टूबर 2014 और डी है 26 जनवरी 2015। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ये है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए 19वां क्वेश्चन है, गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स यहां पर, ए ऑप्शन है पाचक रस उत्पन्न करना, बी है श्रावी, सी है श्वसन और डी है ये सभी।
तो गांधी जी का प्रमुख कारण क्या कार्य क्या है फ्रेंड्स, इसका सही प्रमुख कारण क्या कार्य है, श्रावी। चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का 20वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए, पूछ रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर बनता है। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन कोशिका भित्ति। देखिए जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर बनता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 21वीं क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा अंगक यानी कि जो दिया हुआ है आपको चारों ऑप्शन, प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि जंतु कोशिका में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है लवक। लवक नहीं उपस्थित होता है जंतु कोशिका में। अब लवक क्या होता है, देखिए लवक होता है पत्तियों, फूलों, फलों, इन सब के रंग के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है, यानी कि जो जिनसे पत्तियों, फूलों और फलों में रंग आता है, ये लवक के कारण आता है। चलिए लवक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लवक जो होता है एमायोप्लास्ट एक लवक होता है, ठीक है, ये होता है अवर्डी लवक। अवर्डी लवक होता है एमायोप्लास्ट, ये जड़ों में रंगहीन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों का हरा रंग इसी के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों का रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। विटैनिन ये चुकंदर के रंग की वजह है। कैरोटीन गाजर के रंग की वजह है। और मेहंदी के रंग की वजह क्या है, लासोन। लासोन होता है एक लवक, उसकी वजह से मेहंदी का रंग होता है, ठीक है। देखिए चलते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी कि कोशिका के चार अंग हैं, इनमें से कौन किसमें डीएनए पाया जाता है, गॉल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, या सेंट्रियोल में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। इसको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। देखिए आज का 23वां क्वेश्चन है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, या कहीं और, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कहीं और, इन तीनों ऑप्शंस के अतिरिक्त कहीं और स्थित है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हैदराबाद। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। चलिए चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, रदरफोर्ड, हैक्सले, पुरकिंजे, या जॉन डाल्टन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पुरकिंजे। पुरकिंजे जी ने सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25वां क्वेश्चन, हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, किसके द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, सी है जीवद्रव्य द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक गतिविधियां जो होती हैं नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग रोज 25 क्वेश्चन करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं ये सारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करिए। देखिए फ्रेंड्स व्यू नहीं आ रहा है आजकल, हम अगर व्यू आता है तो हमें और भी अच्छा लगता है, हम और भी वीडियो अच्छे से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।